show. Show? Uncle, अंदर कोई तुस्सु बुस्सु आपका वेट कर रहा है. आज मेरे हाथों से वो मरेगा या फिर नहीं, उसे ही मरना चाहिए. मैं क्यों मरूं? मुझे डरा रहा है. आज मैं उसकी लाश गिरा कर ही रहूंगा. नहीं छोड़ूंगा मैं उसे. दामाद जी. जी बाबू जी. एफबीआई की आंखों से बचकर यूएस से भागा हुआ ये शख्स सच में डॉक्टर नहीं है. वाइजेक पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ एक केस दर्ज है. दो औरतों के मर्डर केस में भी ये शामिल है. सुनने में ये भी आया है कि हमारे सामने जो एमएलए हैं वो सदा शिव जी नहीं बल्कि उनका हम शक्ल है. हमारी कार्रवाई. ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये क्या कह रहे हैं डैडी? क्या है, क्या सुन रहे हो डैडी? आप बस हमारे साथ बने रहे. क्राइम करके यूएस से भाग कर आए हैं ना? आपने एफबीआई से बचने के लिए मेरा इस्तेमाल किया. के बारे में और एमएलए के बारे में. वी आर फ्रॉम इंटरपोल. हे, आप ठीक तो हो ना? ये दौलत की लालच में आकर भैया की जगह लेकर जिंदगी में सबसे बड़ी भूल की है यार. अब समझ में नहीं आ रहा है बचने के लिए किसकी मदद लूं. तुम्हें सिर्फ एक ही शख्स बचा सकता है. कौन? तुम्हारी असली पहचान. हाँ वही. सदाशिव के गुनाह से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, ये तुम साबित कर सकते हो. तुम तो सदाशिव हो ही नहीं, परम शिवा है तुम्हारी पहचान. बाहर जाकर असलियत बता दो लोगों को. तूने क्या मुझे पागल समझ रखा है? अन्नू की जान लेनी चाहिए, वो लोग मुझे माफ करेंगे. कह देना लालच में बह गया था. दिल खोल कर अपनी गलती मान लो. कह दो कि उस लड़की के दौलत को हथियाने के लिए नाटक किया था तुमने. तुम्हारी प्रॉब्लम चुटकी बजाते सॉल्व हो जाएगी और साथ में सिंपथी भी मिल जाएगी. ओके ब्रह्मानंद, तेरा टकला लाओ मैं चूम लूं. असली नाम बताने की किसी को जरूरत ही नहीं पड़ती. ब्रह्मानंद हूं मैं, पूरी दुनिया अच्छी तरह जानती है. ऑडियंस से तू बाद में बात कर लेना, पहले सब लोग कहाँ है वो तो जरा जाकर देखो. देखता हूँ. बोलो भवानी. ए भाई, तूने जैसा कहा था मैंने कर दिया. अब एक काम कर, वो वीडियो क्लिप डिलीट कर देना प्लीज. क्या तुम भी यार, ये भी कोई कहने की बात है क्या? अभी लो, वन सेकेंड. Here you go. अब मैं इन्हें अपना असली रूप दिखाता हूँ. मेरी तरफ से एक वार्निंग सुन लीजिए. आपकी बीपी हाई है तो टैबलेट खा लीजिए. हार्ट पेशेंट है तो सीट बेल्ट बांध लीजिए. ओके? अरे मैं एक इम्पोर्टेंट मैटर भूल गया, तुम्हें एक और जरूरी काम करना है. अब क्या करना बाकी है? तू जैसा कहेगा वैसे ही नाचता रहूंगा. मैं सर्कस का जोकर हूँ क्या? मैं तेरी औकात दिखा कर रहूंगा. शेर हूँ मैं, मेरी दहाड़ सुनेगा, पंजा चखेगा क्या? मैं बहुत डर गया शेर जी. वैसे उस वीडियो की मास्टर कॉपी स्मृति के पास, वो बस मैं डिलीट करने का सोच ही रहा था. क्या आपने अपना असली रंग मुझे दिखा दिया? तेरे पास मास्टर कॉपी है? क्योंकि आप भी कोई मामूली खिलाड़ी तो है नहीं शेर जी. स्मृति मैडम कहाँ है? इसलिए शेर जी, उनके आगे भी गुर्राओगे क्या? देख भाई, वैसे भी जंगलों में शेर कम बचे हुए, उन्हें मार मत. वैसे मैडम जी हैं कहाँ? अभी तो वो नहा रही है जी. अच्छा, वो नहा रही है. हाँ. कोई बात नहीं, उनके पास जो मास्टर कॉपी है वो भी डिलीट हो जाती तो अच्छा था. उनके नहा कर आने तक इसकी गुलामी तो करनी ही पड़ेगी. आप मुझे माफ कर दीजिए बाबू जी. क्या हुआ दामाद जी? मैं आपको सब सच बता देता हूँ, मैं आपका दामाद सदाशिव नहीं हूँ बाबूजी. उन्हीं का जुड़वा छोटा भाई परम शिवा हूँ. सदाशिव मर चुके हैं, मैं तो एक मामूली टैक्सी ड्राइवर हूँ. सच कह रहा हूँ, मेरी बात पर विश्वास कीजिए.
भैया ने मेरे बारे में कभी नहीं बताया होगा। सारी संपत्ति की मालकिन आपकी बेटी अर्चना। जब इंडिया आई थी मेरे भैया के साथ, तब ये सारा हादसा हुआ। आप लोगों की इंसानियत और प्यार देखकर मैंने उस बच्ची को अब तक जिंदा रखा, वरना वो बच्ची यहाँ नहीं रहती, कब की चली गई होती अपनी प्यारी माँ के पास, अमरीका में नहीं। मतलब दौलत पाने के लिए तुमने इतना बड़ा नर्क किया? इतनी जल्दी क्या है बाबूजी? मेरे पास बताने के लिए और भी बहुत कुछ है। आपकी पोती आप तक पहुंच जाए तो सारा मैटर ठीक हो जाएगा, ये सोचकर मैंने उसे 3 बार मारते मारते छोड़ दी। बात को दबाने के लिए परफेक्ट प्लान रेडी था मेरे पास। इतने में इस घर में चिरंजीव सिद्धार्थ बाबू उर्फ संदीप महाशय ने मेरा फ्लैशबैक जानकर मुझे बर्बाद करने का गेम शुरू किया। अच्छा एक बात बताओ, मेरे बैकग्राउंड हिस्ट्री के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? मैंने पूछा तुम्हें कैसे पता चला? अगर इसने बता दिया तो सबसे पहले सदाशिव मेरी लाश गिराएगा। बता किसने बताया था? यहाँ पे मेरा डायलॉग होना चाहिए ना। हाँ तो बोल ना। अंकल यू फॉरगॉट मी, मी गौतम राजू फ्रॉम इटली, आपसे रिश्ता जुड़ने आया था। अरे मरा क्यों? सच्चाई जानता है तू? गौतम राजू नहीं है, सिद्धार्थ राजू है, गंगा राजू का बेटा। पागल समझता है, मैं नहीं जानता। अंकल का पागलपन ठीक हो गया, ऑपरेशन सक्सेस, सुपर। लगता है गुस्सा आ रहा है। यू सिल्ली फेलो, गुस्से में इतना लाल पीला क्यों हो रहा है तू? अरे यार तुम्हारा राइट हैंड कटे मुर्गे की तरह सर क्यों ला रहा है? सोने का पानी चढ़ाने से पीतल असली सोना नहीं बन जाता, ऐसी हालत है इनकी। तू कुछ बोल के ना सिल्ली फेलो। अमेरिका तुस्सू, तू भी अमेरिका से आया है ना, वो तुझे कहाँ मिला? मैंने कब कहा? तूने कब कहा था? चल सच बताओ। तुम कुछ कहो। चैटिंग यू सी। चैटिंग करती हुई मिले कहाँ? चिराग नगर में। मैंने इसे क्या कहा उसे हिंदी में बताओ तो। हिंदी में बोलो। लगता है इन्हें सब पता चल गया है। डैडी। अंकल पूर्णिमा। डैडी, डैडी, नल में पानी नहीं आ रहा है। How can I bath without hot water? भाग्या, भाग्या। नल में पानी नहीं आ रहा है, मैं कुछ मदद करूं, साथ में चलो। डैडी, कल रात को मम्मी मेरे सपने में आई थी। आपके बारे में वो मुझे बहुत कुछ बताने वाली थी, पर बात पूरी होने से पहले मेरी आँख खुल गई। वो क्या बोलने वाली थी मैं बताता हूँ। मैं तेरा डैडी सदाशिव नहीं हूँ, उसका हम शक्ल जुड़वा भाई परम शिवा हूँ। मम्मी। डैडी 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 कौन है डैडी? किसका डैडी है तू? फ्रॉड डैडी, धोखेबाज डैडी। अरे वो तुम्हारा डैडी है ही नहीं, सच बताऊँ तो वो सदाशिव ही नहीं है। कत्तर, ये बात तूने बताई थी? तुझे तो मैंने अपना समझकर राजदार बनाया और तूने ही मेरे गले का फंदा बनाया। जैसे नमक हराम को अगर धोखा मिला तो इसमें बुरा क्या हुआ? तू तो इसी के लायक है। नमस्कार सर। कहाँ भागता? रुक, कहाँ भागता? रुक रुक, तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे। इधर आ, मैं कहता हूँ। जैसे समझाया वैसे ही करना। ओके। कहाँ छुपा है तू? मुझसे बचकर कहाँ जाएगा? भाई इस जल्लाद को देख रहे हो? ये मुर्गी की जगह मुझे बनाकर खाने के मूड में, जरा रोको ना इसे भाई। क्यों रे, हमारे साथ नाटक कर रहा है? डैडी कहाँ हो तू? रुक जा बेटे, जल्दबाजी नहीं करते। बेटी अनु, ट्रांसफर जरा स्टार्ट कर दोगी? तुम भले ही मुझे शूट कर दो, मैं ट्रांसफर नहीं करूंगी। अब करोगी? इनसे पहले तुम्हें मेरी लाश से गुजरना होगा। करोगी? कुछ नहीं हो रहा यार, ट्रांसफर करती हूँ। तुझे तो मैं ठिकाने लगा था। ए, चुप। जल्दबाजी मत कर, ऐसा कहते हुए दुश्मन के हाथ में गन दे दिए। तुम इतनी आसानी से हमें नहीं मार सकते हो, चुपचाप गन को फेंक दो। मुझे लग रहा है तूने और तेरे बाप ने मिलकर अनुपूर्णा की फैमिली को बर्बाद कर दिया। तुम भी कोई एक्टर से कम नहीं हो, वो गन नकली थी बेवकूफ। अरे क्या कर रहा है? अबे ये गन मुझे दे, अभी इसको दिखाता हूँ। ये ले। अबे नहीं डैडी नहीं। मर गया।
मेरा बेटा ही गधा, चल ला गन मुझे दे दे। चल चल फटाफट चल। इधर ही था क्या? कहाँ? यहाँ पर। कहाँ हो तुम? यहाँ पर है वो। यहाँ कोई नहीं है भाई। अरे यहीं तो था वो। भागो, भागो, भागो। मेरी गन, अरे मेरी गन, मेरी गन, मेरी गन, गन। अरे टू बाई टू। मुझे डर लग रहा है। तुम छुप रहे हो बेटे? हाँ डैडी। कैसे छुपा जाता है मैं बताता हूँ। ठीक है मैं नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तेरा फ्रेंड मिल गया है, तू बाहर आ। मुझे मर जाने दो, लेकिन तुम सामने मत आना। ए संदीप, तू बाहर आ जा, मैं देख रहा हूँ। ओके डैडी कमिंग। अब बच गए। अबे तुझे सेफ्टी टैंक की पड़ी है, तू उसमें डूब जा, डूब के मर जा, तब मैं आऊंगा। अरे मैं हूँ तेरा मामा, चला जा। मुझे कोई नहीं पहचानेगा। अरे इस विलन के बेटे ने मुझे पहचान लिया। मुझे तंदूरी बना के खाएगा तो तेरा हाजमा खराब हो जाएगा। अरे मर गया। मजा आया, मजा आया। प्लीज डोंट माइंड, एक बार और करता हूँ। तेरी तो मिल गया। ए अंकल मैं हूँ सिद्धार्थ राजू। अरे तू तो मेरी पार्टी में है यार। क्या? तेरे डैडी जिसकी बात करते थे वो मैं हूँ। तो फिर आज तक आपने इतना नाटक क्यों किया? यार तुझे कैसे समझाऊं मैं। ए सिद्धू, हाँ लगता है बाहर से कोई अंदर आया है, चल देखते हैं। नहीं बाबा मुझे डर लगता है, मैं नहीं जाऊंगा। चल बाहर। हे सिद्धू, हाँ यहाँ कोई है, चल उठा। ठीक है। ये रे मुझे नहीं यार, पागल पलंग उठा। ओ ठीक है ठीक है, उठा उठा। कोई मिला? यहाँ तो कोई नहीं यार। तो फिर रख दूँ। माँ भूत वापस आ गया, भागो। अरे वाह अनुष्का, I love you, कितनी प्यारी है अनुष्का। You know ना, I love you। अनुष्का मुझसे शादी करोगे? दीदी भड़क, दीदी भड़क गई। अरे ओ भांजे, तू तो किसी काम का नहीं निकला रे, मारने का मन कर रहा है। वो बच नहीं सकता। आखिर तू मेरे हाथ लग ही गया ना। ए संदीप, बाहर निकल और मेरे सामने आ जाओ। नहीं आया तो इस 2x2 का भेजा उड़ा दूंगा। आखिर वो बेचारा फंस ही गया। हमारा प्यार भूल गए भाई, तुम्हें जब भी चाइनीज खाना होता था मैंने कभी इनकार नहीं किया। चुप। संदीप बारा, जल्दी बाहर आ, इस परम शिवा से टकराएगा तू। आइए आइए आइए। मारो 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 Yeah.
डैडी 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 कौन है डैडी? पता नहीं किसने इतने जोर से मार दिया, भाई की तो याददाश्त ही चली गई। डैडी 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 बताना बताना। हाय, उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। डैडी 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 यहाँ वहाँ डैडी, बस थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, रिदम में गाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। डैडी 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 डैडी।